It's gone up. नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आधी रात राहुल गांधी पहुंचे आजादपुर की मंडी में सब्जी विक्रेताओं और व्यापारियों से की बातचीत। 4 बजे सुबह तड़के राहुल गांधी उठकर पहुंचे मंडी, हर कोई रह गया हैरान। राहुल गांधी की इस तपस्या को देखकर मंडीवासी हुए गदगद। राहुल ने सुनी किसानों की समस्याएं, दिया जल्द से जल्द निस्तारण का भरोसा। राहुल गांधी एक बार फिर से दिखे जननायक के रूप में। कहा भारत ऐसे ही जोड़ेंगे, कभी मंडी तो कभी सब्जी मंडी, कभी बस मंडी, कभी ट्रेन मंडी, कभी ट्रेन ट्रक मंडी, यहीं पर जाते रहेंगे, बताएंगे इस बारे में। इस बीच दूसरी खबर निकल के आई है। तो दोस्तों, मणिपुर में हालात बेहद खराब हो चुके हैं और मणिपुर में फिर से दंगे की खबर के बीच अब सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की। कहा अगर मौजूदा हालात को फर्जी खबर फैलाई तो फिर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। यानी अब कानून व्यवस्था नहीं सुधार रहे हैं, अब मीडिया वालों पर दर्ज हुआ मुकदमा। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां आरपीएफ जवान में मुस्लिम यात्रियों को चुन चुन कर मारा। असदुद्दीन ओवैसी ने बताया सांप्रदायिक रंग, कहा यह कोई पागलपंथी नहीं है, ना ही उसका दिमाग खराब था। चौथी खबर में आपको बता दें दोस्तों, बिहार में जातिगत जनगणना से रोक हटी, पटना हाईकोर्ट में नीतीश कुमार सरकार की हुई जीत, ये भी हम आपको बता ही देंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी कुछ एक बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है, वो भी हम आपको बताई देंगे। और हरियाणा के हालात पर क्या कुछ कहना है कांग्रेस पार्टी की नेता का, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है, अचानक आधी रात सुबह 4 बजे उठकर राहुल गांधी पहुंचे आजादपुर दिल्ली वाली मंडी, सब्जी विक्रेताओं की सुनी समस्याएं, बांटा दर्द, दिया आश्वासन, व्यापारियों से की बातचीत। राहुल को पाकर गदगद हुए व्यापारी। दरअसल दोस्तों, अचानक राहुल गांधी मंगलवार यानी आज सुबह तड़के 4 बजे दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी पहुंच गए। उनने यहां विक्रेताओं से सब्जियों के दाम की जानकारी भी ली। आपको बता दें, ये राहुल गांधी का सरकार को महंगाई पर घेरने का एक प्लान है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक सब्जी विक्रेता टमाटर के दामों को लेकर भावुक हो गया था। राहुल गांधी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा था, जिसके बाद भाजपा ने पलटवार किया था। अब राहुल गांधी भाजपा को जवाब देने के लिए सोशल मीडिया के बजाय सीधा मंडी पहुंच गए। आपको बता दें, राहुल गांधी सब्जी मंडी में फल और सब्जी विक्रेताओं से घिरे नजर आए। इसके अलावा मंडी में घूम घूम कर उन्होंने सब्जियों की जानकारी भी ली। आपको बता दें, राहुल गांधी ने जिस वीडियो को शेयर किया था उसमें पत्रकार जब विक्रेता से सवाल करता है कि क्या उसका ठेला खाली ही जाएगा, इस पर विक्रेता ने जवाब दिया था कि टमाटर के दाम देखकर हिम्मत नहीं हो रही है, कई बार घाटा लग जाता है। उसने महंगाई का जिक्र किया था, कहा कि जहांगीरपुरी में 4,000 के किराए के मकान में रहता हूँ और कई बार 100 रुपये कमाना भी मुश्किल हो जाता है। राहुल ने वीडियो शेयर करते हुए कहा था, देश को 2 वर्गों में बांटा जा रहा है। एक तरफ सत्ता संरक्षित ताकतवर लोग हैं जिनके इशारे पर देश की नीतियां मर रही हैं, और दूसरी तरफ आम हिंदुस्तानी जिनकी पहुंच से सब्जी जैसे बुनियादी चीज़ भी दूर होती जा रही है। हमें अमीर गरीब के बीच बढ़ती इस खाई को भर इन आंसुओं को पोछना होगा। और इसी सिलसिले में राहुल गांधी पहुँच गए आज़ाद मंडी, और राहुल गांधी के पीछे हजारों संख्या में व्यापारी लग गए। जरा देख लीजिए आप भी।
चलते हैं अगली एक और खबर निकल के आई है मणिपुर में तानाशाही को लेकर के। अगर मौजूदा हालात को फर्जी खबर फैलाई तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा, मणिपुर सरकार का नया फरमान। दोस्तों आपको बता दें, मणिपुर सरकार ने नया फरमान जारी कर दिया है, कहा कि अगर आपने कोई ऐसी खबर फैलाई जिसका सिर और पैर नहीं होगा तो फिर आप पे FIR दर्ज होगी, यानी जिसे कहते हैं फेक खबरें। फेक खबरें कैसे, मानो कहीं दंगा हुआ और अगर आपने दंगा बढ़ा चढ़ा के थोड़ा भी बता दिया, दो लोगों की मौत की जगह तीन लोगों को बता दिया, तो आप पर FIR हो जाएगी, देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। अगर कहीं शांति है और वहाँ पे आपने हिंसा की बात कर दी, तो इस तरीके की चीज़ें निकल के आ रही हैं। यानी शांति, दंगा शांति करने के बजाय अब मीडिया और सोशल मीडिया वर्करों पर शिकंजा कसने की मणिपुर सरकार की तैयारी है। एक और अपडेट, बिहार में जातिगत जनगणना से रोक हटी, पटना हाई कोर्ट में नीतीश सरकार की जीत, सभी याचिका खारिज। बिहार में जातिगत जनगणना रोक हट गई है, अदालत ने जातीय जनगणना के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। नीतीश सरकार को इस मामले में बड़ी जीत मिल गई है, राज्य में जातीय जनगणना पर काम अब फिर से शुरू हो जाएगा। हाईकोर्ट ने बीते 4 मई को जातिगत जनगणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस पर स्थायी रोक लगाई थी, हालांकि अब अदालत से नीतीश कुमार को हरी झंडी मिल गई है। हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार के जातिगत जनगणना कराने के फैसले को सही करार दे दिया है। नीतीश सरकार ने पिछले साल बिहार में जातिगत जनगणना कराने को नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके बाद जनवरी 2023 में इस पर काम शुरू हो गया था। जातिगत जनगणना को 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा, पहला चरण जनवरी में है। अगली एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने बोला बड़ा हमला, कहा उसने चुन चुन कर मुस्लिमों को भून दिया और कह रहे हैं उसका दिमाग खराब है, वो पागल है। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में RPF जवान चेतन सिंह ने सोमवार तड़के फायरिंग करते हुए 3 मुस्लिमों समेत एक अपने सीनियर SI टीका राम को गोली मारकर हत्या कर दी। अब इस हत्या के बाद जो है वो एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें मोदी योगी को लेकर इस चेतन सिंह कह रहा है कि अगर देश में रहना है तो मोदी योगी को वोट देना पड़ेगा, तुम लोग पाकिस्तान से जो है वो गवर्न हो रहे हो, तुम लोग पाकिस्तान के कहे पे चलते हो, इस तरीके की बात ही वो कहता दिखाई दे रहा है। इसी पूरे मामले का वीडियो ट्वीट करते हुए ओवैसी ने बड़ा हमला बोला, दरअसल ये बड़ी घटना और इसे एक आतंकी घटना के रूप में करार दिया जा रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां जो हरियाणा में जो हालात हैं उसको लेकर कांग्रेस ने बोला बड़ा हमला, बोला जो आज के पिछले 70 सालों में नहीं हुआ वो दंगे अब हरियाणा में शुरू हो रहे हैं। मणिपुर के बाद हरियाणा को फूकने की है तैयारी। दोस्तों मणिपुर के बाद हरियाणा के नूह में जिस तरीके से भगवा यात्रा में पथराव के बाद माहौल खराब हुए हैं, उसमें अब तक 120 से ज़्यादा गाड़ियों को फूंक दिया गया है। इस पूरे मामले में 5 लोगों की मौत हो गई है। हिंसा यहां तक पहुंच चुकी है कि जो है वो अब मस्जिदों में घुस करके मौलाना की हत्या कर दी गई है, मस्जिदों में घुस करके तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। हालात ख़राब हैं, आधे दर्जन से एक दर्जन से ज़्यादा जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। हरियाणा के आधे राज्य में इंटरनेट बंद है, राजस्थान के भी कुछ जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। मोनू मानेश्वर को लेकर के पूरा खेल चल रहा है, कांग्रेस पार्टी सुनिए क्या कुछ कहना है।